नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई, वहीं इस ट्रॉली में 20 यात्री सवार थे। क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पीर निगाह में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलटी, 20 घायल। ऊना जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में शीश नवाने के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। ट्रॉली पलटने के बाद मौके पर चीखों पुकार मच गई। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। पूर्व सूचना के आधार पर MS डॉक्टर संजय मनकोटिया ने स्वयं कमान संभाली और इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की मौजूदगी सुनिश्चित की। घायलों के आने से इमरजेंसी वार्ड माइनर OT सहित माइनर इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से भर गए। चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है। बता दें, हादसे में किसी भी श्रद्धालु की मौत की अभी तक सूचना नहीं है। उधर तहसीलदार ऊना शिखा राणा भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेप जाना। जानकारी के अनुसार जिला मानसा के गांव वोहा के लगभग 30 ग्रामीण बच्चों महिलाओं के साथ मां नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पीर निगाह पहुंचे थे। यहां दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे कि एक मोड़ पर चालक ने ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर ही पलट गई और लगभग 20 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से लगभग 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो प्रमुख रूप से ये रही बड़ी खबर कि ऊना जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में शीश नवाने के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।